हेलो, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, पिछली बार हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, अपना मोशन चैप्टर को हमने पूरा कवर किया था, जिसके अंदर जो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे हमने उन पॉइंट को डिस्कस किया था। आज उसी चैप्टर की थोड़ी सी लिंकेज हम यूज करेंगे और आज हम नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम क्या है, फोर्स। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में अपने को दो बातों के बारे में पढ़ना है इस डिटेल में। क्या क्या बातें हैं? पहला, अपने को फोर्स के बारे में जानना है कि फोर्स क्या होती है, कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे क्या जानना है, लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हमारे तीन लॉज होते हैं जो न्यूटन देखे गए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड आपका थर्ड लॉ। तो पहले हम क्या जानेंगे, अपने फोर्स के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से आपके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट यहां पर हम करते हैं। तो बेटा, अगर मैं यहां पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोर्स से, कि पहला वर्ड यही लिखा है, तो पहले हम समझेंगे फोर्स क्या है। देखो, अगर आप फोर्स को समझना चाहते हो ना, तो फोर्स को आप सिर्फ दो वर्ड्स के अंदर खत्म कर सकते हो। कौन कौन से वर्ड है सर? वो एक पुश और सेकंड वर्ड पुल। किसी चीज को खींचना या किसी को धक्का देना क्या कहलाता है आपका? फोर्स कहलाता है। क्या बोला बेटा मैंने? फोर्स क्या कहलाता है? फोर्स इज डिफाइंड एज आप पुश और आप पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए, आपने क्या कीजिए, आपने आप जिम में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि कोई एक्सरसाइज कर रहा, तो एक्सरसाइज कैसे करता है? नीचे से अगर वो वेट को ऐसे उठाता है, तो यानी नीचे से उसने वेट को क्या किया, पुश किया, ठीक है। यहां नीचे, सॉरी, नीचे से इसने वेट को ऐसे उठाया, अगर आपका वेट को उठाया, तो इसने यहां से नीचे से क्या किया, इसको पुल किया, और ऐसे उठा के रॉड को ऊपर की तरफ ऐसे किया, तो यानी उसने पुश किया। तो बेसिकली फोर्स को दो ही चीजों में आप बता सकते हो, पुश और पुल में आप इन्हें इजीली समझा सकते हो। अगर आप यहां पर देखें तो ये बंदा क्या कर रहा है, नीचे से आपके वेट को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है वेट को ना, और उसके बाद इसने इस वेट को क्या किया, ऊपर उठा दिया, यानी क्या किया इसको, यहां पे इसने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ उठा दिया, यानी इसने ऊपर की तरफ पुश किया, और यहां पर इसने क्या किया, पुल किया। तो आपको मैंने बता दिया कि यहां पर इजीली आप समझ गए कि फोर्स को आप किसके दो वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, किसमें, एक पुल में और एक पुश में, ठीक है। किसी ने कहा सर इसके कुछ एक और एग्जांपल दीजिए, तो आप और एग्जांपल यहां पर पढ़ना, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये एक आपके पास बच्चा खड़ा है, आप पीछे से आए, पीछे से आके आपने इसको क्या किया, धक्का दे दिया। धक्का देना मतलब आपने इसको क्या किया, पुश किया। तो जाके ये मैम को क्या बोलेगा कि मैम पीछे से राम आया और राम ने मुझे आगे की तरफ पुश किया। तो बेसिकली पुश करने का मतलब क्या है, इसने क्या अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करी। समझ में आया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप समझिए, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका बच्चा इस गड्ढे के अंदर, गड्ढा था ये आपका बहुत बड़ा, इसके अंदर आपका यहां पर गिर गया, ठीक है। और बाहर से कोई बच्चे ने, बाहर से इसको बचाने के लिए यहां पर इसकी रोप फेंकी गई और इसको बोला गया कि भैया आप इस पे चढ़ो, तो यानी ये ऊपर चढ़ेगा तो ऐसे कर रहा है ना, पुश कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बस आप यहां पर आराम से समझ सकते हैं कि पुश और पुल के अंदर ही आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे यहां पर फोर्स की, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, यहां पर फोर्स की डेफिनेशन पढ़िएगा कि आप पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का लगाना या उसको खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेचिंग करना, ट्विस्टिंग करना, प्रेसिंग करना, पुशिंग करना,
ठीक है, पुलिंग करना, लिफ्टिंग करना, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप कुछ भी सोच सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया वेट उठाने का, तो वो आपका एक एग्जाम्पल हो गया। आपको मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा आप जाके बाजार से सब्जी लेके आओ, तो आप सब्जी उठा के लेके आ रहे हो हाथ में, तो हाथ में आपने पकड़ रखा है ना सब्जी को, लिफ्ट कर रखा है ना उसको, तो वो भी क्या हो गया, फोर्स हो गया। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। क्या आपने फोर्स को देखा है? आपने कभी फोर्स को देखा है कि भैया ये मेरी फोर्स आ रही है और यहां से फोर्स आ रही है और मेरे पे लगी, या फिर मैंने फोर्स ऐसे फेंकी और वो सामने वाले के लगी? नहीं यार, हम फोर्स को बेटा देख नहीं सकते। तो सर क्या कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये खड़ा हूं, मेरे से यहां से कोई बंदा आया और उसने मुझे आगे की तरफ ऐसे धक्का दे दिया, तो वहां से अगर बंदे ने आके मुझे धक्का दिया तो मुझे पता कब लगेगा कि उसने मुझे आगे की तरफ धक्का दिया? जैसे ही उसका हाथ या फिर उसकी कोई भी चीज मेरे टच होगी और मैं आगे की तरफ गिरूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ भैया पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया था। ठीक है, तो फोर्स को आप देख नहीं सकते। आपको ऐसा पता लगा कि सामने से, क्या नाम है, आपको ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपका, मान लीजिए आपका फ्रेंड खड़ा है और आप यहाँ पे हैं, तो आपके फ्रेंड ने अपने अंदर से ऐसी फोर्स निकाली और आपकी तरफ फेंक के मारी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो आता है, आपको ऐसे धक्का देता है या आपको खींचता है। क्लियर हो गई बात? तो मैंने अभी तक क्या बताई आपको, फोर्स के बारे में बताया, फोर्स को क्या बोलते हैं, पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, फोर्स को आप देख नहीं सकते। तीसरी चीज, अगर फोर्स को देख नहीं सकते तो सर क्या कर सकते हैं, फोर्स को बस बेटा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फोर्स कैन ओनली बी डन बाय एक्सपीरियंस। आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगली चीज यहां पर देखें, अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस सर्वल चेंजेस इन बॉडीज। ठीक है, यानी आप, इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ फोर्स को क्या कर सकते हैं, यहां पर फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बेटा हम फोर्स के बारे में कुछ बात करते हैं कि फोर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर आप यहां पर देखें तो फोर्स को हम क्या नहीं कर सकते, फोर्स को हम देख नहीं सकते। फोर्स क्या हो सकता है, सिर्फ फोर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, कभी आपने देखा है क्या फोर्स आपके आगे की तरफ आई या पीछे की तरफ गई? यानी फोर्स, अगर मैं आपको आके धक्का मार रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं आप वहां खड़े हो और मैंने अपने अंदर से ऐसे फोर्स को निकाला, नहीं ना। तो फोर्स को बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है, आप उसे देख नहीं सकते। ये दोनों पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, अच्छा फोर्स कैसी है? फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या मतलब है, इस चीज को जरा ध्यान से पढ़िएगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या चीज है, मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, आपको पीछे से आके किसी ने धक्का दिया, ठीक है, और आप कहां गिरे, आगे की तरफ गिरे। आप गए अपनी मैम के पास, आपने कहा मैं आज तो मैम को कंप्लेंट करूंगा, और आपने जाके कंप्लेंट की। आपने क्या बोला कि मैम राम ने पीछे से आके मुझे धक्का दिया और मैं आगे गिरा। राम ने पीछे से आके क्या किया, मुझे धक्का दिया, यानी फोर्स लगाई। मतलब अगर फोर्स लगाई, अगर फोर्स की अगर मैं बोलूं तो किस में लगाई जाती है, न्यूटन में लगाई जाती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने बोला कि राम ने पीछे से आके मैम 50 न्यूटन की फोर्स मेरे पे लगाई और इस फोर्स लगाने की वजह से मैं कहां गिरा बेटा, आगे गिरा। ये बात बोली आपने। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके फोर्स के साथ आपकी डायरेक्शन भी मेंशन है, क्योंकि इसने फोर्स कहां लगाई थी, आगे की तरफ ही तो लगाई थी, आपको ऐसे ही तो धक्का दिया था। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स के साथ साथ आपका क्या एसोसिएटेड होता है, मैग्नीट्यूड,
और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन, दोनों चीज आपकी मौजूद होती हैं, और इसी वजह से आप इस फोर्स को क्या बोलते हो कि फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पक्का? तो यहां पर आप देखेंगे फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ड्यू टू दिस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, फोर्स को बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा बार बार, तो ऐसे फोर्स नहीं लिख सकते बार बार, तो इसको हम अपने कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, इसकी एसआई यूनिट की बात करें जो बहुत बार आपसे पूछी भी जाती है, वो क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। क्लियर हो गई वाली बात? तो मैंने आपको क्या क्या बात बताई, आपको मैंने तीन चार बातें बता दी जो आपको याद रखनी है। क्या क्या? कि फोर्स एक कौन सी फोर्स क्या होती है, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश एंड पुल, पहली बात। दूसरी चीज, ये समझ में आ गया, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन होती है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है आपके कैपिटल एफ से किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद और समझ आ जानी चाहिए। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, कि भैया फोर्स कर क्या क्या सकता है, फोर्स आपके क्या क्या चीजें कर सकता है। फोर्स बेटा बहुत ज्यादा चीजें कर सकता है, और आपसे एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप फर्स्ट पॉइंट ध्यान पे देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहां पर, कि अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। एक स्टेशनरी बॉडी को वो किस में ला सकता है बेटा, मोशन में ला सकता है। सर एग्जाम्पल आप बताइए, ऐसे समझ में नहीं आया, समझो। मान लीजिए कि आपके सामने ये फुटबॉल पड़ी है, ठीक है। आपके अंदर जैसे होता नहीं, आप अगर मान लीजिए अपने घर से स्कूल जा रहे हो या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, और अगर आप ऐसे नॉर्मल अपने बैग टांग के आप चले जा रहे हैं, और अगर आपको सामने कहीं छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ दिख जाए या छोटा सा नॉर्मल साइज का पत्थर दिख जाए, तो होता क्या है, आपके अंदर मेसी की और रोनाल्डो की आत्मा अपने आप आ जाती है। तो आप क्या करते हो, आपको जैसे ही वो पत्थर दिखा आपको लग गया कि भैया यही मेरी फुटबॉल है, और आप उसको ऐसे जोर से किक करते हो। करते हो कि नहीं करते, आप लोगों ने ये चीज करी होगी। तो बेसिकली अगर मान लीजिए ये आपका पत्थर ही है, ठीक है, इसको पत्थर ही मान लेते हैं, आपका स्टोन है आपका ना ये, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, स्टोन आपका एकदम आराम से शांति भाव से पड़ा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं था, यानी बेसिकली स्टोन किस में था, रेस्ट में था, ठीक है। आप आए, आपने क्या करा, इसके ऊपर आपने अपनी लात मारी, यानी इसको आपने किक किया, और किक करने से ये आपका पत्थर आगे की तरफ आपका चला गया, ऐसे राउंड राउंड करता हुआ आगे की तरफ गया। तो पहले आपका स्टोन किस में था, रेस्ट में। आपने बाहर से क्या अप्लाई करी उसको, जब आपने किक किया तो यानी आपने फोर्स अप्लाई करी, और वो रेस्ट से फिर वो आपका आगे की तरफ मूव करने लगा, मतलब वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट है, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो आपका रेस्ट में है, अगर आप उस पर फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो फोर्स को अप्लाई करने से वो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। पॉइंट पढ़िएगा, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी, यानी जो बॉडी आपकी रेस्ट में हो उसको किस में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। क्लियर वाली बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा ये वाला आपके सामने एग्जाम्पल ही है, ठीक है। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे ये फुटबॉल थी आपकी, ये किस में थी, रेस्ट में थी, इसने इसको किक करा तो यानी ये किस में हो गई आपकी, मोशन में हो गई। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला आपका, अगला क्या लिखा है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं।
आपका मान लीजिए कि आपके पास मैं यहां पर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे पास बॉल आई और मैंने ऐसे शॉट मारा, ठीक है। शॉट मारने पे बॉल आपके पास ऐसे आ रही है, तो आपने क्या करा, बॉल आपके पास आ रही है तो आप क्या करेंगे, उस बॉल को रोकेंगे, ठीक है, और रोक के आगे फिर थ्रो करेंगे। तो पहले बॉल किसमें थी, अगर आप इस बॉल की बात करें तो जो बॉल थी ये आपकी तरफ ऐसे आ रही थी, यानी ये बॉल किसमें थी, मोशन में थी। आपने इसको रोक दिया, आपने इसको ऐसे रोका ना, तो रोका कैसे होगा, आपने फोर्स लगाई होगी, तो यानी आपका बॉडी पहले किसमें थी, मोशन में थी, और आपने इसको रोका है तो यानी आपने इसको किसमें लेके आ गए, रेस्ट में लेके आ गए। तो इसका मतलब आपने क्या करा, जो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में था आपने फोर्स लगा के, आपने फोर्स को लगा के उसको किसमें लेके आ गए, रेस्ट में लेके आ गए। तो यानी फोर्स अप्लाई करके मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है उसको किस में ला सकता हूं, रेस्ट में ला सकता हूं। क्लियर हुई वाली बात। आप साइकिल वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं कि सर साइकिल अगर हम चला रहे हैं या फिर आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसको रोकना हुआ, वो आपकी गाड़ी आपकी मोशन में है, यानी आपकी गाड़ी मान लीजिए, साइकिल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो वो किसमें आपके, एक स्ट्रेट रोड पर आपकी चली जा रही है, आपको दिखाई दिया कि भाई आगे काफी ज्यादा जाम है, तो आप क्या करेंगे, ट्रैफिक है काफी ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, अपनी हल्का सा गियर डाउन करेंगे और आप उस पर ब्रेक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने ब्रेक लगाते गए यानी जो ऑब्जेक्ट आपकी, यानी जो गाड़ी आपकी मोशन में थी वो फाइनली कैसे आ गई, सर वो गाड़ी रुक गई। क्लियर हो गया। तो दो बातें आपने अभी तक पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, कि अगर आपका फोर्स क्या कर सकता है, कोई जो आपका ऑब्जेक्ट हो रेस्ट में हो तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर वो मोशन में हो तो उसको किस में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है। क्लियर दो पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेज देखिएगा, ये देखिएगा आपका यहाँ पर ये बॉल आ रही है, अगर ये बॉल आपकी तरफ आ रही है, अगर आपको इसको रोकना है तो आपने क्या करा, डाइव करके इसको स्टॉप करा। तो पहले किस में थी ये, मोशन में, आपने इसको किस में लेके आ गए, रेस्ट में लिया है, ठीक है। और अगला देखिएगा, ये वाला आपका उसका एग्जाम्पल था, क्लियर, साइकिल वाला। थर्ड पॉइंट पे आएंगे तो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है समझिएगा, एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से आराम से क्लियर होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गाड़ी बनाते हैं इसको, ठीक है, कोशिश करते हैं कि अच्छी सी गाड़ी बने अपनी, ठीक है, चलो बन गई जैसे बननी थी, ठीक है, चलो। तो बेटा मान लो ये आपकी कार है, आप ऐसे आगे मूव कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे ऐसे गाड़ी आप चला रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाई दिया कि भैया यहाँ पर तो आगे बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, तो आपने कहा अगर मैं यहाँ से लेफ्ट ले लूँगा ना तो मुझे आगे जाके जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो आपने क्या करा, गाड़ी चलाते चलाते आपने उसको क्या ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया। तो आपने लेफ्ट कैसे मोड़ी अपनी गाड़ी, स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगाई और स्टीयरिंग को मोड़ते ही आपकी क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो बेसिकली आपने करा क्या, आपने अपने ऑब्जेक्ट की फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो फोर्स ने क्या करा, फोर्स ने आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी, किसकी, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो तीन पॉइंट हम अभी तक यहां पे पढ़ चुके हैं जो आपको समझ में आ जाने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट, फोर्स आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से किस में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसको किस में लाया जा सकता है, मोशन में लाया जा सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, आपकी यहां पर डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है। और ये किस वजह से की जाती है, ये तीनों किस से की जाती है, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे इन तीनों को आपने कैसे किया, यहां पर आपने तीनों केस में फोर्स को अप्लाई किया और फोर्स को अप्लाई करके हमने ये तीनों चीजें की। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पर आप एग्जांपल ये वाला देखिएगा, ये वाला भी एग्जांपल ये है,
कि मान लीजिए आपके पास यहाँ से बॉल आई, ठीक है, बॉल आपकी कैसे आती है, आप बॉल डालते हैं ऐसे, तो बॉल आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन में आई, और अगर आप यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने उस बॉल को ऐसे करा, तो आपके आपके ऊपर है, आप उसको चाहे लेग में भेजिए, चाहे ऑफ में भेजिए, चाहे आप बैक में शॉट मारिए, तो यानी आपने यहाँ पर फोर्स लगाई, इस बैट्समैन ने यहाँ पर फोर्स लगा के इस बॉल की क्या चेंज कर दी, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। बताओ क्लियर है कि नहीं, पक्का? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कैसे? बहुत एग्जांपल है इसका, एग्जांपल समझिए, वही गाड़ी वाला एग्जांपल लेते हैं। आप यहां पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करा, आपने देखा कि आज तो भैया रोड बिल्कुल खाली पड़ी है मेरे को, ठीक है, तो आपने क्या करा, गियर चेंज करा, फोर्थ से फिफ्थ गियर में डाला और गाड़ी को फटाफट फटाफट भगाते हुए आप लोग ले गए। तो गाड़ी को जब आप भगा के लेके जा रहे हैं, तो आपने क्या करा, आपके इंजन ने आपके टायर्स के ऊपर फोर्स लगाई, जिस वजह से टायर जल्दी मूवे, आपके टायर जल्दी रोटेट हुए, तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, और आपको लगा कि भैया आगे तो जाम लग रहा है, आगे तो हल्का हल्का है, जाम है आपका आगे, तो धीरे धीरे आपने क्या करा, गाड़ी को स्लो डाउन किया, और स्लो डाउन कैसे किया, ब्रेक को लगा के, ठीक है, तो आपने यहां पर फोर्स को लगा के क्या किया, स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, आपने क्या चेंज कर दी, स्पीड को चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, तो जैसे क्रिकेट वाला एग्जांपल ले सकते हैं हम, कि बॉल आपकी तरफ ऐसे आ रही है, और बॉल आपकी तरफ तेज स्पीड में आ रही है, बहुत तेज स्पीड में आ रही है, और आपने ऐसे टक करके उस बॉल को वहीं रोक दिया, तो बॉल की स्पीड मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आर थी, ठीक है, और आपने इसको टक करा, तो यहां पे ये यही रुक गई। क्लियर ये वाली बात? और दूसरी चीज आपका गाड़ी का है, कि गाड़ी अगर आप चेंज करते हैं, तो स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, और आप कम भी कर सकते हैं। क्लियर ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास यहां पे बलून है, ठीक है, ये आपका क्या है यहां पे बेटा, बलून है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पे, तो आप यहां पर देखिएगा, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका, समझिएगा, देखिए यहां पर हमने क्या करा, ये मान लीजिए आपका एक बलून है, आपने क्या करा, इसको इस तरफ से और इस तरफ से थोड़ा सा आपने दबाया, बलून रखा, इसको आपने ऐसे से दबाया, तो आप जब इसको ऐसे से दबाएंगे, तो देखेंगे कि इस बलून की आपकी शेप चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा आपको ऐसे टिल्ट दिखाई देगा, ठीक है, तो फोर्स से आपने क्या करा, इसका शेप चेंज कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसके अलावा अगर आपको एग्जांपल चाहिए, आप देखिएगा, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक बड़ा सा स्टोन है, ठीक है, आप बोल दीजिए सर ये बड़ा सा पत्थर है हमारे पास, स्टोन है, आपने क्या करा, इसके ऊपर आपने यहां पर हैमर मारा, जोर से ऐसे हैमर देके मारा, तो आप हैमर देके जब इसको मारेंगे, तो हैमर आपने मारा, तो बेसिकली आपने क्या अप्लाई करी, यहां पर फोर्स अप्लाई करी, और आपको पता है अगर आप किसी पत्थर पे अगर आप ऐसे हैमर देके मारेंगे, तो इस पत्थर का क्या हो जाएगा, ये पत्थर आपका छोटे छोटे ऐसे पीसेस में टूट गया। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पे इसकी शेप क्या था और इसका साइज क्या था, बड़ा साइज था, बट अब ये ऐसे छोटे छोटे उसमें टूट गया। तो यहां पर एग्जांपल आप आराम से पढ़ सकते हैं कि एग्जांपल क्या था आपका, मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए, एक हैमर वाला और एक बलून वाला। तो यहां पर फोर्स ने क्या करा, फोर्स ने आपके शेप और साइज को चेंज कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपका हैमर है, आपका ये स्टोन है, स्टोन के ऊपर आपने हैमर मारा, तो देखिए आपका कैसे छोटे छोटे आपके इसमें टूट गया। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, चलिए, तो अगर आपको अगर मैं यहां पे बात करूं, तो आपने यहां पर पांच चीजें टोटल पढ़ ली, क्या क्या चीजें थी वो। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने यहां पर आपने मुझसे चार पांच चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें थी जल्दी जल्दी बताइएगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चीज आपने क्या पढ़ी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर आपका रेस्ट में हो और अगर उस पर आप फोर्स अप्लाई कर दें, तो वो किस में आ जाता है, आपका मोशन में आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में हो, अगर आप उस पर
फोर्स अप्लाई करें तो वो किस में आ जाता है आपका बेटा, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज आपने क्या पढ़ी कि आपका फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्थ चीज आपने क्या पढ़ी कि अगर आपकी स्पीड को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो वो भी आप फोर्स की मदद से कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि जो आपका फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, आपकी शेप में और आपके साइज में, इन दोनों को क्या कर सकता है बेटा, चेंज कर सकता है। क्लियर हो गए? तो ये पांचों पॉइंट जो हमने पढ़े हैं ये किसके अंदर पढ़े हैं हमने, फैक्ट ऑफ फोर्सेस। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन फोर्स, और फोर्स के साथ क्या बोल सकता है कि आप मुझे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस भी बताइए और विद एग्जाम्पल। तो इन पांच मैंने आपको बताए, आप वहां पर तीन कोई भी लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल के साथ लिख दीजिएगा, आपको वहां पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो बेटा आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव्स अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।